एक माह में डबल पैसे का लालच देकर ऐठे 1 लाख रुपए, पैसे मांगे तो जंगल में ले जाकर किया बलात्कार। एसपी से की गई है इस बात की शिकायत। शिवपुरी के भोंती थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव की एक महिला ने एसपी से शिकायत दर्ज कराई है कि महिला ने बताया 2 युवकों द्वारा उसके साथ जंगल में ले जा करके बलात्कार किया गया और थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई इस बात की। जानकारी के अनुसार भोंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव की रहने वाली महिला ने एसपी को आवेदन में दिया जो कि उसमें लिखा हुआ था, गजेंद्र लोधी पुत्र भगवान दास लोधी एवं अखिलेश लोधी पुत्र रघुवीर लोधी निवासी भयावन थाना भोंती आए और कहने लगे कि 1 माह में पैसे डबल करके तुझे दे देंगे। इसके बाद 50,000 रुपये कुल 1 लाख रुपये उन दोनों युवकों को दे दिए गए। उस समय के अनुरूप रुपए वापस नहीं मिले तो महिला ने दोनों से पैसे मांगे लेकिन वो दोनों टालम टोल करते हुए नजर आए। इसके बाद महिला ने जब उनसे वापस पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि खोड़ तक साथ में चलना पड़ेगा और पति को साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बोलता है। उक्त महिला दोनों युवकों के साथ बाइक पर बैठकर खोड़ के लिए निकल पड़ी, जिसके बाद खोड़ की घाटी पर जंगल में दोनों युवक महिला को ले गए और बाइक भी नहीं रोकी, जिसके बाद गजेंद्र लोधी ने बुरी नीयत से महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अखिलेश लोधी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि इसके बाद धमकी दी गई कि अगर किसी को भी ये बात बताई और आज के बाद रुपए मांगे तो अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची लेकिन शिकायत नहीं लिखी गई। साथ ही अखिलेश लोधी की पत्नी ने भी पीड़ित महिला के पति पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि ऐसे इसलिए डराया गया मुझे जिससे कि मैं शिकायत ना करूं। इस बात की जानकारी जैसे ही कांग्रेसियों को लगी तो आज महिला के साथ कांग्रेसी भी एसपी से शिकायत करने आया और महिला के लिए न्याय की मांग की गई। साथ ही न्याय ना मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मेरा सर रामलीला लोधी। कहाँ से आए हो आप? बड़ी उम्री कला से सर। क्या घटनाक्रम है पूरा? घटनाक्रम ये था सर, मेरे सर अखिलेश लोधी के भयावन वाले से मेरा था लेन देन 1 लाख रुपये का। तो मैं सर उसके पास लेने गया था तो मुझसे बोला कि अभी नहीं है, 5 दिन बाद में आना। तो सर मैं चला गया घर, 5 दिन बाद में आया था। 5 दिन बाद में गया तो मेरे को उसने मारने की धमकी दी और बोला कि मेरे पास पैसे मांगने मत आया। तो मैं सर घर चला गया, मैं नहीं आया। मेरे पास खेती बाड़ी के लिए पैसे नहीं थे तो मेरे पास इमरजेंसी थी पैसे की, फिर मैं नहीं आया। फिर मैं 2-3 दिन इसके लिए बाद में भेजा, जो बोली मैं लेके आऊँगी तो इसे भगा दिया एक बार। फिर सर 5 दिन पहले दोबारा गई तो उसको बोला वो अखिलेश लोधी कि मेरे साथ चल, पैसा नहीं है, मैं खोड़ जाके देखो पैसा देखूंगा। तो उसके साथ में था गजेंद्र लोधी भी था, ये दोनों जने गए तो खोड़ से आगे घाटी है, घाटी से ऊपर ले गए ये, उसके साथ गंदी हरकत थी सर। और उधर से वापसी में शाम को 7 बजे उन्हें खोड़ की घाटी से छोड़ा, उन्हें घाटी छोड़ा तो वहाँ से जब पहले अपने घर आई 8 बजे तक घर आ पाई, वहाँ से उसका कोई साधन नहीं मिला, रात में कोई साधन नहीं चलता है सर। इसके बाद मैं भोंती आया, भोंती में 2 दिन से बैठा हूँ सर, मेरी कोई काम ही नहीं की। कल की तारीख में मेरे को शाम को 8 बजे उसकी अखिलेश की वरद से मेरे ऊपर जबरदस्ती काम ही करवाई और सर मेरे को उसमें भतगड़ी डाल दी, बंद करवा दिए, बोले मैं तेरे ऊपर बंद करवा दिए सर। फिर मेरे को जबरदस्ती राजीनामा करना पड़ा सर। कब की घटना है ये? घटना है सर 6 तारीख। अभी आप यहाँ पे आए हो, अभी साहब ने क्या बोला है आपसे? साहब ने ये बोला है कि सर वो आवेदन दे जाओ, साहब नहीं है करवा दी थी कामराबाई। चलो वहाँ पर आपकी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई सर, मेरी कोई कामराबाई नहीं करवाई, 2 दिन हो गए मुझे बैठे बैठे। अभी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, मैं 9-10 बजे तक घर जाते सर। अभी आपने आवेदन दे दिया? हाँ सर। वो क्या बोलते हैं वहाँ पर? वहाँ भी बोलते हैं कि अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी। ये पूरा आज का घटनाक्रम को नया नहीं है, मध्य प्रदेश देश में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है जी। मूल कारण है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, जो उनके साथ जुल्म होते हैं, पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन, खासकर शिवपुरी का पुलिस प्रशासन, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई ठोस कार्रवाई। आज जो महिला मेरे साथ में आई है हाँ। वो भोंती थाने की है, शिवपुरी विधानसभा का गाँव है उमरी। उस महिला के साथ बलात्कार हुआ क्योंकि वो पैसे मांगने गई थी, पैसे के लिए उसने बताया कि फलानी जगह मिलेंगे, उस स्थान पर ले जाके उसके साथ बलात्कार किया। 2 दिन पुलिस थाने में बैठी रही और थाने में भोंती थाने के टीआई के सामने इसने फरियाद की लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। अभी हम एसपी ऑफिस में आए थे, सामने बोला कि एसपी ने सामने बोला कि हम इसकी जाँच कराएंगे। महिला उत्पीड़न में सबसे पहले तो महिला जिस महिला के साथ जो घटना हुई है उसकी पहले FIR दर्ज करो, उसके बाद जाँच कराओ। खौफ खत्म हो चुका है पुलिस प्रशासन का, शासन का, इसलिए महिला
के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसलिए अत्याचार बढ़ रहे हैं। जी सर, तो अभी साहब ने आपको क्या बोला? अभी मैंने बताया ना कि जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे? जांच क्या करेंगे? पहले FIR करें, इसके बाद जांच करें।